इज 5003800010। इतना बड़ा नंबर क्या 3 और 9 से डिविजिबल है? तो हम इसे एक सेकंड में देख सकते हैं। देखिए हमारे पास जो नंबर है हम उन सबको प्लस करते हैं। अब हमें पता है कि जीरोस के बीच में एडिशन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 5 + 3 + 8 + 1 + 1, जीरो के अलावा जितने नंबर हैं हम उनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 5 + 3 = 8, 8 + 8 = 16, 17 और 18, हमारा टोटल आ गया 18। अब 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, ये कम्प्लीटली 3 के टेबल में आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा येस, ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। सिमिलरली हम इसका टोटल जो हमारे पास 18 आया है हम उसको 9 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो 9 के टेबल में आ रहा है, ये पूरा पूरा 2 से जा रहा है, तो ये 9 से भी डिविजिबल होगा। सपोज दैट यहाँ पर ऐसा नंबर होता, सपोज यहाँ पर 21 होता, तो वो 3 से तो डिविजिबल होता लेकिन 9 से ना होता, क्योंकि 21 3 के टेबल में आता है बट 9 के टेबल में नहीं आता।